लोग इंतजार कर रहे थे, हम भी कर रहे थे, और जैसा समझने में आ रहा है कि ये वेल प्लान्ड अटैक था, और उम्मीद करेंगे कि इस तरीके से आगे भी रिएक्शन जारी रहेगा ताकि पुलवामा जैसी घटनाएं फिर दोबारा ना हो सके और सेना का मनोबल भी बना रहे। इस तरह के हमले होते रहने चाहिए आतंकवादियों पे, जिससे हमारे देश की इंडियन आर्मी का, एयरफोर्स का मनोबल हमेशा बढ़ता रहेगा कि अगर ये आतंकी ये सोचते हैं कि हम कुछ भी हमला करके चले जाएंगे और जीत बच जाएंगे तो उनकी भूल है। उनको भी इस तरह का सबक बिल्कुल सिखाना चाहिए, और मैं अपनी एयरफोर्स का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस तरह का काम किया, और उनको सल्यूट है इस चीज़ के लिए। मुझे लगता है कि पुलवामा अटैक के 15 दिनों के अंदर उनको इतना मुंहतोड़ जवाब देना इंडिया के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, और इस तरीके से उन्हें अगर हम जवाब देंगे तो वो कभी भी आगे चल के हमें इस तरीके से अटैक करने की कोशिश नहीं करेंगे। उन्हें भी एक सीख मिलेगी और डेफिनेटली आतंकवाद खत्म हो जाएगा। बहुत सही था, बहुत अच्छा किया, और उनके साथ साथ पाकिस्तान के साथ साथ बाकी और देशों को भी इसका सबक मिलेगा कि उन लोगों ने जो गलती करी है उसका जवाब ये मुंह तोड़ के देंगे। और मैं बहुत खुश हूँ, मेरे साथ साथ सारी जनता, हिंदुस्तान की जनता बहुत खुश है कि आगे से हम लोग इन लोगों का एक बार नहीं बार बार मुंह तोड़ जवाब देंगे। आज जो एयर स्ट्राइक हुई है, वाकई आज हमारे लिए वापस से बहुत गर्व का दिन है। 2016 की जो सर्जिकल स्ट्राइक थी, वापस से उसी को याद दिला रहा है। मोदी जी ने जो वादा किया था सेना को कि हमने सेना को पूरी छूट दी है, ये शायद उसी का ही परिणाम है। यही छूट अगर पहले की सरकार भी देती तो शायद आतंकवादी इतना मंसूबों के साथ इतना कायराना हमला भारत पे कभी नहीं कर सकते। हम मोदी जी के साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से आतंकवाद का सफाया हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंडियन एयरफोर्स को सल्यूट करना चाहती हूँ जो उन्होंने इतना बड़ा कदम लिया पुलवामा अटैक के बाद। हमें ये बहुत बड़ा स्टेप था, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी जिसमें उन्होंने ये डिसीजन लिया। मैं जनता से यही अपील करना चाहती हूँ कि आज हम पॉलिटिकल पार्टीज और ये सब इश्यूज को साइड में रख के इस चीज़ के लिए सब एक साथ खड़े हो, जिससे अब मतलब इंडिया की एकता दिखनी चाहिए सबके सामने कि हम कमज़ोर नहीं हैं, और अगर हम एक साथ हो गए सब तो शायद अगली बार कोई इतना बड़ा स्टेप लेने को डरेगा। ये बहुत ही सटीक समय पर और बहुत ही बढ़िया हमला हुआ है, पूरा देश इससे बहुत खुश है। लोग जरूर अटकलें लगाते रहते थे कि हमला शायद नहीं होगा या भारत हमला नहीं करेगा, लेकिन पूरी योजना के साथ, जैसा कि आप लोगों ने सुना भी होगा, डाभोल और सब अन्य लोगों ने मिलकर योजना बनाई और सुबह तड़के इसका जाके आक्रमण हुआ। हमारे मिराज ग्वालियर से उड़े सबसे बड़ी बात रही, मतलब इतनी बढ़िया योजना बनाई और सटीक हुआ। ये पाकिस्तान का के लिए मुंहतोड़ जवाब है, और सारा भारत, सारी जनता भारत की बहुत खुश है, और मोदी जी को और पूरे को बधाई, और पूरे देश को, पूरे सेना को प्रणाम करता हूँ। जैसे कि 14 फरवरी को CRPF के जवानों पर पुलवामा पर जो अटैक हुआ था बहुत ही निंदनीय था, उसकी मैं घृणा करता हूँ, लेकिन उसके जवाब में जो भारत की सेना ने उनके आतंकवादियों पर जो हमला करा है, वैसे जो जानकारी है सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है, तो उसके तर्ज पे हमें पता चला है कि 250 से 300 आतंकवादियों को भारतीय सेना ने मार गिराया है, और ये एक अच्छा जवाब है, एक ठोस जवाब है, और यही शुरुआत होना चाहिए। और भारत को, हमें इन आतंकवादी गतिविधियां जो भी होती है उनसे आगे बढ़कर भारत को एक ठोस कदम उठाना चाहिए, और ये उसकी अच्छी शुरुआत है। आई प्राउड टू बी इंडियन। जय हिंद, जय भारत। जो भी जवाबी कार्रवाई हुई है वो काफ़ी सराहनीय है, और पाकिस्तान को इन्हीं शब्दों में इस पर मेरा ये कहना है कि इंडिया ने कभी शुरुआत नहीं की है, लेकिन अगर कोई शुरुआत करेगा तो एंड करना ज़रूरी है, और ये बहुत ही अच्छा काम किया है। लाइक ये अवॉइड कर रहे थे हम अपने तरफ से, लेकिन अगर ये बात मानेगा नहीं अगर पाकिस्तान, तो हमको ऐसे जवाब देना पड़ेगा।